हेलो एवरीवन, रिडक्शन पे ऑलरेडी मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ। पूरे अच्छे से मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर किया है कंसेप्ट रिडक्शन क्या है, इसका क्या यूज है एंड सो। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे रिडक्शन पे। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखो भाई। L1 इज मैपिंग रिड्यूसेबल टू L2 एंड L2 इज मैपिंग रिड्यूसेबल टू L3। मैंने आपको बार बार समझा भी, मैपिंग रिड्यूसेबिलिटी पे क्वेश्चन आएंगे गेट एग्जाम में, ट्यूरिंग रिडक्शन पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि उस पर बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज आउट ऑफ स्कोप फॉर गेट। ठीक है जी, तो मैपिंग रिडक्शन पे कहानी कर रहे हैं हम लोग, है ना। और अगर आपने प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरी कमेंट सेक्शन में पहले आप प्रीवियस वीडियो देखो, क्योंकि मैं उसी प्रीवियस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो मैंने आपको सारी कहानी बताई थी ना भाई, है ना, ये जो 8 क्वेश्चन कराए थे इन्हीं पे ही मैं आगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सब थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ के साथ सब चीजें समझाई थी। इस लेक्चर में हम लोग को क्वेश्चन करने हैं। ठीक है जी, तो चलो मैं फटाफट से पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। L1 इज मैपिंग रिड्यूसेबल टू L2 एंड L2 इज मैपिंग रिड्यूसेबल टू L3। पूरा क्वेश्चन लिखा जस्ट टू सेव द टाइम। हाँ जी, L2 आपके पास क्या गिवन है भाई, RE बट नॉट REC। ठीक है, L2 है मतलब सिंपल बात करते हो सेमी डिसाइडेबल है। अब आपसे पूछा जा रहा है L1 और L3 की क्या कहानी होगी, आपसे वही बात है, पॉसिबल पॉसिबल पूछ रहे हैं ना, क्या क्या चीज पॉसिबल है। ये नहीं पूछा कि क्या होगी, सिर्फ पॉसिबल पूछे आपसे। प्लीज बहुत ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, प्लीज ध्यान रखना। सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे, ज्यादा टेंशन में हमारे को जाना ही नहीं है, ज्यादा प्रूफ में कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल बात। क्योंकि L1 मैपिंग रिड्यूसेबल हुए है L2 में, L1 मैपिंग रिड्यूसेबल हुई L2 में, L2 हमारी RE बट नॉट REC है, तो L1 के बारे में क्या ख्याल है भाई। L1 कम हार्ड है L2 से, कितनी कम हार्ड मुझे नहीं पता, तो मतलब L1 को अगर मैं RE बोल के भागू तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। RE बट नॉट REC का है ना, तो मैंने यहाँ पे सिंपल RE बोला भाई, तो RE RE बट नॉट REC भी हो सकता है, RE विद REC भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एवरी REC इज RE ऑल्सो, है ना। तो मतलब RE एज एंड वेल एज REC, मतलब ये दोनों चीजें भी हो सकती है, RE बट नॉट REC ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ये। तो मैंने बस RE कह के भागा, तो इज इट पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल। L3 नॉन RE मैंने कहा है। हाँ जी बोलो भाई, L2 हमारी सेमी डिसाइडेबल है, तो L3 हमारी ज्यादा हार्ड होगी L2 से, कितनी ज्यादा हार्ड मुझे नहीं पता, तो मतलब L3 हमारी RE बट नॉट REC भी हो सकती है, आरी नॉन आरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा हार्ड उससे ज्यादा हार्ड है ये बस। ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल, तो इसलिए हम इस पर टिक लगाएंगे आगे। बड़ा बड़ा बट नॉन आरी और आरी, L1 हमारी नॉन आरी, दिस इज नॉट पॉसिबल। L2 अगर हमारे पास आरी बट नॉट REC है तो ये से कम हार्ड है, कम हार्ड है तो फिर नॉन आरी कहां से हो जाएगी भाई, दिस इज नेवर पॉसिबल, इस पे हम लोग काटा लगा देंगे, ये देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, L3 हमारी आरी हो सकती थी, बट हमने ये कॉम्बिनेशन पूछा था तो ये कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, दोनों के दोनों आरी हो, यस दिस इज पॉसिबल। L2 हमारी आरी बट नॉट REC था, तो L1 हमारी आरी हो सकती है आराम से। आरी ने क्या कहा, बार बार समझा, प्लीज आरी अपने दिमाग में मत पूछा लेना, आरी बट नॉट REC होता है ना, इसका मतलब होता है आरी बट नॉट REC भी चलेगा और आरी एज वेल एज REC ये भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब इतनी ध्यान रखना भाई। देखो ये REC का सेट है, मेरे ख्याल से मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है बार बार, मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है, ये RE है, तो जब मैंने RE कह के भागा हूं तो यहाँ पे भी ये भी RE है और ये भी RE है, बार बार समझाता हूँ मैं आपको, है ना। ये दिल्ली है, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, दिल्ली का मैप है, दिल्ली में खड़े हो तो ऐसे आप कहोगे भाई इंडिया में ही खड़ा है ना, और इंडिया में हो और दिल्ली में ना, दिस इज पॉसिबल, बट दिल्ली में हो बट इंडिया में ना, दिस इज नेवर पॉसिबल, इतना मैं आपको बहुत बार समझाता हूँ, है ना। तो फिर हम इंडिया में खड़े हैं बस, यहाँ पे भी खड़े हैं अगर तो हम इंडिया में ही हैं, तो मतलब हम आरी पे ही हैं, और यहाँ पे खड़े हैं तो भी हम लोग इंडिया में ही हैं, मतलब हम आरी में ही हैं, इतना समझ में आता है आप लोगों को। प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए इतना ज्यादा बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लोग बहुत ज्यादा फंसोगे, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, आरी का मतलब आरी बट नॉट REC, नहीं भाई नहीं, आरी का मतलब आरी से भी वो हो सकता है, प्लीज अपने दिमाग में इसको घुसा लो अच्छे से, बहुत बार समझाता हूँ मैं आपको। हाँ जी ठीक है जी, तो ओके जी, तो आरी आरी दोनों ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की दोनों नॉन आरी हो, नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने L1 को नॉन आरी कहा है, L1 नॉन आरी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि L2 हमारी आरी बट नॉट REC है, तो L1 हमारी नॉन आरी कैसे हो जाएगी, L1 हमारी कम हार्ड होगी, कितनी कम हार्ड वो मुझे नहीं, तो मतलब ज्यादा हार्ड तो नहीं हो सकती ना भाई, L1 कैन नॉट बी मोर हार्डर देन L2, तो बस वहीं पे हम लोग फंस गए, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है जी, अब डिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी की कहानी है, वो आप आराम से समझते हो, है ना। L2 हमारा सेमी डिसाइडेबल है, तो L1 हमारी डिसाइडेबल हो, दिस इज ऑब्वियसली पॉसिबल क्योंकि कम हार्ड होगी, L1 कम हार्ड होगी, दिस इज पॉसिबल। ठीक है जी, और L3 हमारी अनडिसाइडेबल निकले, हाँ जी बिल्कुल, अनडिसाइडेबल मतलब सेमी डिसाइडेबल एज वेल एज अनडिसाइडेबल, दोनों चीजें कहते हैं ना, प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई। अनडिसाइडेबल कहने का मतलब यहाँ पे सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल को एक ही कहानी में मान के चलता हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, राइस थ्योरम में मैंने आपको इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना है, अभी मैं इनको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, तो अनडिसाइडेबल कहूँ तो ठीक है जी, दिस इज अलाउड। ठीक है, तो प्लीज ये सब ध्यान रखना भाई, डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। तो डिसाइडेबल का मतलब मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ, पेपर में अच्छे से लिखा हुआ आ जाएगा वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे शायद आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है। अनडिसाइडेबल का मतलब नॉन आरी, सेमी डिसाइडेबल का मतलब आरी बट नॉट REC, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोला सेमी डिसाइडेबल एंड सो ऑन, तो आपको मान के चलना भाई डिसाइडेबल का मतलब REC और अनडिसाइडेबल का मतलब आरी बट नॉट REC, ये फैक्ट है भाई, प्लीज ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आरी बट नॉट REC भी चलेगा और नॉन आरी भी चलेगा,
दोनों चीजें हमारी अनडिसाइडेबल में आएंगी। जब तक क्वेश्चन में सेमी डिसाइडेबल वर्ड ना यूज किया जाए ऑप्शन में या क्वेश्चन में, तब तक आपको सेमी डिसाइडेबल वाली बात बोलनी ही नहीं, अपने दिमाग में लानी नहीं है सेमी डिसाइडेबल क्या होता है एंड सो ऑन क्या नहीं होता। मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली वो अनडिसाइडेबल को सेमी डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल सेमी डिसाइडेबल को अनडिसाइडेबल ही मान के चलते हैं क्वेश्चन में, ज्यादातर यही होगा। जब तक सेमी डिसाइडेबल वर्ड ना नजर आए आपको क्वेश्चन में, आपको अपने हिसाब से सेमी डिसाइडेबल बोलना ही नहीं है। प्लीज, ये आपके लिए एक क्राइम है, सेमी डिसाइडेबल मत बोलना जब तक ऑप्शंस में ना नजर आए या क्वेश्चन में ना नजर आए सेमी डिसाइडेबल वर्ड। अब मैंने कहीं सेमी डिसाइडेबल वर्ड नहीं बोला है, मुंह से तो बोल दिया बाय चांस, सॉरी फॉर दैट, बट इन्होंने आरी बट नॉट आरी सी कह के भागे हैं, सेमी डिसाइडेबल कह के नहीं भागे। अगर सेमी डिसाइडेबल कह के भागते तब मैं अनडिसाइडेबल को क्या कह के भागता, नॉन आरी। फिलहाल मैं अनडिसाइडेबल को आरी बट नॉट आरी सी एज वेल एज नॉन आरी दोनों चीजें मान के चलूंगा। प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लो, कल को बहुत कंफ्यूज करेगा आपको पेपर में, ठीक है? स्टैंडर्ड बात नहीं, कोई नहीं समझाएगा आपको, मैं समझा रहा हूँ, ढंग से समझ लो आप, ठीक है जी? चलो ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। हाँ जी, दोनों ये अनडिसाइडेबल हो और ये डिसाइडेबल हो, बताओ भाई क्या ये L3 डिसाइडेबल हो सकते हैं? डिसाइडेबल मतलब आरी सी, जब मैं आपको पहले क्या कह रहा हूँ L2 आरी बट नॉट आरी सी है, तो फिर ये L3 आरी सी तो कभी हो नहीं सकता, मतलब क्योंकि L3 शुड बी मोर हार्डर देन L2, तो आरी सी कैसे निकल आएगी भाई? आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ठीक है? तो ये ऑप्शन गया, नेक्स्ट ऑप्शन अगेन गया, क्योंकि ये मैं L3 को डिसाइडेबल नहीं कह सकता, आप समझ पा रहे होगे। ये अनडिसाइडेबल कह रहा हूँ, ठीक है, ये अनडिसाइडेबल कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, दिस इज पॉसिबल, क्योंकि अनडिसाइडेबल कहने का मतलब सेमी डिसाइडेबल बीच में आ रहा है, तो थिंक आप समझ पा रहे होगे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एकदम सेम है भाई, इस टाइप से आप समझ सकते हो। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन आ गया, दोनों दोनों नॉन आरी भी होगी, ठीक है? तो ये ऑप्शन जो है आरी और नॉन आरी को हम दोनों, ये इन दोनों को ऐसे समझ लो, ये जो ऑप्शन है ना भाई, ये ऑप्शन इन दोनों को मिला करके है, ठीक है? और कोई बात है पॉसिबल इसने कहा है ना, एक्चुअली आपको लगेगा कि यहाँ पे नॉन आरी आ गया तो हमने काटा लगाया था, तो पॉसिबल इसने कहा है कि ये पॉसिबिलिटी है L2 की अनडिसाइडेबल निकले, और अनडिसाइडेबल में फिर वही बात है, पॉसिबल कह रहे हैं तो अच्छी बात सोचना, मतलब हम यहाँ पे सोच सकते थे कि हमारा जो L1 है, प्लीज ये बात ध्यान से समझो भाई, देखो L2 हमारी आरी बट नॉट आरी सी है, तो L1 हमारा आरी बट नॉट आरी सी हो सकता है ना, आरी बट नॉट आरी सी मीन्स अनडिसाइडेबल ओनली, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सेमी डिसाइडेबल हम बात करेंगे, तो ठीक है जी, अनडिसाइडेबल हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज इस बात को समझ लो, ज्यादा मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, नहीं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगी, ठीक है? आई थिंक आप समझ गए होंगे, अनडिसाइडेबल कहने का मतलब पॉसिबिलिटी हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, तो पॉसिबिलिटी तो ये निकल के आ रही है ना भाई, L1 हमारी आरी बट नॉट आरी सी पॉसिबल है ये, और आरी बट नॉट आरी सी मतलब वही बात हो जाएगी अनडिसाइडेबल वाली, क्यों? क्योंकि L2 हमारी आरी बट नॉट आरी सी है, तो L1 हमारी कम हार्ड होगी L2 से, कितनी कम हार्ड होगी मुझे नहीं पता, शायद इसी के जैसे लगभग निकल आए, इसी के जैसे निकल आए, मतलब L2 हमारी आरी बट नॉट आरी सी है, तो L1 भी हमारी आरी बट नॉट आरी सी हो सकती है, तो वही बात है आरी बट नॉट आरी सी है मतलब अनडिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल दिस इज पॉसिबल, उसी बात करो, ठीक है? आई थिंक पढ़ रहे होगे आप लोग क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी? और L2 आरी बट नॉट आरी सी मतलब अनडिसाइडेबल है, तो L3 हमारी अनडिसाइडेबल बिल्कुल हो सकती है, मुझे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई, है ना? देखो मैं आपको वैसे समझा के भी आया हूँ, मैपिंग में जैसे L1 इज मैपिंग रिड्यूसेबल टू L2, तो अगर ये डिसाइडेबल है तो पक्की बात है ये डिसाइडेबल होगी, और ये अगर अनडिसाइडेबल है तो पक्की बात है ये अनडिसाइडेबल होगी। अब ये अनडिसाइडेबल है ना भाई, ये देखो यहाँ पे L2 हमारे अनडिसाइडेबल है, तो L3 तो अनडिसाइडेबल होनी होनी है, ये तो मेरे को कन्फर्म है। हाँ, अब इतनी बात तय थी कि अब देखो अगर हमारे पास ये अनडिसाइडेबल निकली है तो फिर ये अनडिसाइडेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पॉसिबिलिटी तो है कि अनडिसाइडेबल निकल आए, वही पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये अनडिसाइडेबल है तो फिर ये अनडिसाइडेबल हो सकती है, मुझे इसमें कोई मना ही नहीं है कि नहीं हो सकती, हो सकती है, बट मैं एग्जैक्टली आंसर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो हाँ ठीक है जी, पॉसिबिलिटी वाली बात की थी तो आप समझ गए, प्लीज ध्यान रखना भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, ये बात ध्यान रखना, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वाली बात आएगी तो फिर पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस आई थिंक पकड़ गए आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, अब L1 इज मैपिंग रिड्यूसेबल टू L2, L2 इज REC, L1 इज, अब प्लीज ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे इसने पॉसिबल वाली बात नहीं बोली, अभी आपसे श्योरिटी से पूछ रहे कि ये क्या होगी, L2 हमारी REC है मतलब L2 हमारी डिसाइडेबल है, तो आपको पता है भाई L1 भी हमारी पक्की बात है क्या रहेगी, डिसाइडेबल रहेगी मतलब REC रहेगी। हाँ जी, तो L1 विल बी REC, तो RE नॉन RE नॉट REC और नन, तो आप बोलोगे नन पे टिक लगा दो, महाबकवास बात है भाई, नन पे टिक मत लगा देना, आपको पता है L1 हमारी REC आ चुकी है, अब एवरी RE इज REC, तो इस पे टिक लगा के आना प्लीज, नो डाउट ये लूज ऑप्शन है, पर और ऑप्शन मतलब नन पे क्यों टिक लगा दो जब ये ऑप्शन बन सकता है, बात समझो, इसने ये तो नहीं बोला कि आरी बट नॉट आरीसी, अगर ये आरी बट नॉट आरीसी कह के जाता तब मैं नन पे टिक लगाता, और आपको पता होना चाहिए एवरी आरीसी इज आरी ऑल्सो, तो ये इस पे टिक लगेगा,
है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो धोखा देके आपको फंसा देंगे भी, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मैं बार बार प्लीज बोल रहा हूँ, ठीक है जी। आई थिंक क्लियर होगा सबको, नोट डाउन कर लेना भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, जितने ब्यूटीफुल क्वेश्चन है मैंने सारे लिख दिए आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एलोरिज में अपिंग रिड्यूसिबल टू L2 और L2 हमारे पास RE गिवन है, L2 हमारे पास RE गिवन है, L1 आपसे पूछ रहे हैं। बोलो भाई, अगर L2 हमारी RE है तो L1 इज पूछ रहा है, प्लीज ध्यान रखना। अगर पॉसिबिलिटी की बात करते तो REC हो सकती है ना, नॉट REC भी हो सकती थी, क्योंकि RE बट नॉट REC हो जाए, है ना, क्योंकि इसने RE बोला है, इसके बारे में तो इसने बोला नहीं RE क्या है, RE बट नॉट REC है, या RE विद REC है, क्या है, इसने नहीं बोला, तो ठीक है जी, REC भी हो सकता है, नॉट REC भी हो सकता है, नॉन RE तो नहीं हो सकता, इतना हमारे को पता है, बट इसने प्रॉपर पूछ लिया इज मतलब है, REC है, मैं कैसे बोलूं, मैं तो पॉसिबिलिटी बोल के आया हूं भाई, प्लीज ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी और इज में बहुत बड़ा अंतर है, पॉसिबिलिटी मतलब जो हो सकता है, और इज मतलब वो है थोड़ी है कि इसमें से कोई, मैं ऐसे कैसे गारंटी कहकर भागू, मैं कुछ नहीं बोल के भागूंगा, मैं नन पे टिक लगा के आऊंगा, प्लीज ध्यान रखना, तो सब बकवास है, सब बकवास है, ये नन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि L1 इज इसने बोल दिया, क्या है ये, गारंटी के साथ बोलो क्या है ये, अगर L2 हमारी आ रही है तो मैं L1 की गारंटी के साथ क्या बोल के आऊं, मैं कुछ नहीं बोल सकता गारंटी के साथ, प्लीज इतना ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, हाँ आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारी L2 आ रही है तो L1 मेरी आ रही है, मैं इतनी गारंटी करता, बट आ रही मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा, तो मैं कैसे टिक लगा के भागू भाई, है ना, आ रही का ऑप्शन नजर आता, अगर ये नन की बजाय आरी ऑप्शन होता तो मैं इस पर टिक लगा देता, क्यों होगा आरी, प्लीज मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर रखा है, ये आरी है तो फिर ये आरी तो है ही है, हाँ बट आरी सी है कि नहीं, मैं कैसे बोल दू भाई, पॉसिबल बोलता तो मैं टिक लगा पाता, लेकिन इसने पॉसिबल नहीं बोला, इसने पूछा है कि क्या है, तो इसलिए मैं इस पर नन पे टिक लगा के आऊंगा, आई थिंक समझ गए, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, नोट डाउन कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, L1 यूनियन L2 इज मैपिंग रिड्यूसिबल टू L3, L1 इज आरई, L2 इज आरईसी, वही बात है, देखो यही तो ब्यूटी है ना TOC की, मिंगल अप करके क्वेश्चन बना देंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी भी बीच में घुस गई है इस क्वेश्चन में, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको कहते होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे भाई। आरई यूनियन आरईसी बताओ क्या होती है, आपको पता होगा आरई यूनियन आरईसी इज आरई, है ना, क्योंकि एवरी आरईसी इज आरई एंड आरई यूनियन आरई, यूनियन में आरई क्लोज होती थी, तो घुमा फिरा करके यहाँ पे जो लैंग्वेज गिवन है ना, आप ये समझ लो ये L4 है भाई, और L4 हमारे पास क्या गिवन है भाई, आरई गिवन है, बस इतना ध्यान रखना, आरई आगे मत बोल देना, आरी बट नॉट REC कुछ नहीं, बस सिंपल बात बोल के भागो, आरी है ये आरी है, तो L3 के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, L3 इज, ये बताओ L3 इज कंफर्म है कि आरी होगा, नहीं, REC की कंफर्मेशन नहीं, नॉन आरी की कंफर्मेशन नहीं, तो नन पे टिक लगेगा, क्यों मैं आरी की कंफर्मेशन क्यों नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात है भाई, L4 हमारी आरी है तो L3 हमारी ज्यादा हार्ड होगी L4 से, कितनी ज्यादा हार्ड मुझे नहीं पता, आरी निकला है दिस इज पॉसिबल, नॉन आरी निकल है दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, हाँ अगर पॉसिबिलिटी वाली बात आती तो मैं आरी पे भी टिक लगा सकता था, REC पे भी टिक लगा सकता था, नॉन आरी पे भी टिक लगा सकता था, अब प्लीज ये मत बोल देना कि सर REC पे क्यों टिक लगा दिया, अरे इसने आरी कहा है, आरी बट नॉट REC तो नहीं कहा, तो फिर मैं अपने आपसे पॉसिबिलिटी में तो इस पे भी टिक लगेगा, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, MSQ में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये, L3 पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज पॉसिबल, ऐसे पूछ सकते थे, विच ऑफ फॉलोइंग थिंग इज पॉसिबल, L3 इज RE, L3 इज REC, L3 इज नॉन RE, सब पॉसिबल हो जाता, बट L3 इज पूछेगा तो मतलब कौन सा है मुझे नहीं पता कौन सा है वो, है ना, हम इतना बोल के भागेंगे कि L3 ज्यादा हार्ड है L4 से, कितनी ज्यादा हार्ड होगा मुझे कैसे पता भाई, ठीक है तो हम इस पे नॉन पे टिक लगाएंगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, और यही चीज मैं यहाँ भी बोल सकता था, मैंने बोली नहीं, बट आई थिंक आपने अगर प्रीवियस वीडियो देख रखा है तो सबको समझ में आ रहा होगा, बट स्टिल वही बात है, मेरे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, तो मैं एक बार बस और बोल देता हूँ, L2 हमारी आ रही है तो L1 कम हार्ड है इससे, कितनी कम हार्ड वो मुझे नहीं पता, बट इतना शॉर्ट है कि आ रही तो होगी होगी, ठीक है तो वही बात है, आरी ऑप्शन हमारे को नजर नहीं आता इसलिए हमने पे टिक लगा दिया था, चलो भाई आगे बढ़ो, कोई बात है मेरे को मन में कुछ कुछ बातें आती रहती है, मेरे को सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, मेरे को मन पे भी थोड़ी देर से भार चल रहा था कि मैंने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, शायद आपको भी लग रहा होगा ठीक ठाक, कि मैं आप लोगों की केयर करता हूँ, मैं आपको उंगली पकड़ के घर तक छोड़ के आता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है ऐसे किसी बच्चे को बीच में छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं रास्ते में छोड़ दूँ और भाग जाऊँ खुद नहीं, मेरा मन ही नहीं मानता ऐसे जब तक मैं आपको पूरा उंगली पकड़ के घर तक ना छोड़ू, इसलिए फिर मैंने इसका आंसर भी कर दिया, ठीक है चलिए ठीक है ओके, तो आई थिंक समझ गए होगे भाई, इस पे नॉन पेटिक लगेगा, बार बार मेरे ख्याल से मेरे को बोलने जरूरत नहीं है, डाउट है तो वीडियो को रिमाइंड करके देखो, मैं यहाँ पे वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, टाइम पास नहीं करूंगा आपका, ठीक है जी, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, चलो भाई क्योंकि इसने पॉसिबल नहीं पूछा, इसने इज पूछा है वो हम नहीं बता पा रहे, आगे बढ़ो, L3 इज मैपिंग रिड्यूसिबल टू L1 यूनियन L2, L1 हमारी आ रही है, L2 हमारी REC है, बिल्कुल वही वही टाइप का क्वेश्चन हो गया भैया, है ना, L1 यूनियन L2 इसने कहा है तो वही बात है, मैं इसको मान लेता हूँ L4, L4 विल बी आवर RE, बस मैंने घुमा दिया है बस, ठीक है इसको इधर कर दिया बस, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, ठीक है जी, तो L4 हमारी RE है, ठीक है इतना आपको समझ आ रहा है, क्योंकि L1 RE है और L2 REC है, REC, एवरी REC इज RE,
आरी यूनियन आरी अपग्रेड वाला कर देते थे ना, ये सब याद है क्या? नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी की वीडियो देखो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो, एवरी आरी इज आरी, मैं ये निकालना चाहता हूँ आरी यूनियन आरी से क्या होगा भाई, है ना? तो हम अभी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अगर ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं आरी और आरसी अलग अलग है, तो मैं आरसी को अपग्रेड करके आरी बना लूंगा। अब मैं बोलूंगा आरी यूनियन आरी, तो घुमा फिरा करके क्वेश्चन किसमें बन गया, ये यूनियन ऑफ आरी, आरी यूनियन में क्लोज होते थी, तो फाइनली हमारे पास आंसर आरी आएगा, एल फॉर विल बी आरी। अब ये अधूरी इन्फॉर्मेशन है, आरी आरी बट नॉट आरसी मुझे नहीं पता, आरी विद आरसी ये भी मुझे नहीं पता, कुछ कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि आरी है, बस इतना पता है। हाँ जी ठीक है जी, अगर एल फोर आरी है तो पक्की बात है एल थ्री हमारी कम हार्ड है एल फोर से, कितनी कम हार्ड वो मुझे नहीं पता, बट इतनी कंफर्मेशन है कि एल थ्री हमारी आरी जरूर रहेगी। ठीक है, एल थ्री हमारी आरी जरूर रहेगी। ठीक है जी, बताओ एल थ्री इज आरी, इस बात पे टिक लग जाएगा। ठीक है, आरी सी मैं नहीं बोल सकता अभी, पॉसिबिलिटी वाली बात आती तो मैं बोल देता, एंड और नॉन आरी, नॉन आरी तो बिल्कुल हो नहीं सकता क्योंकि ये आरी है, तो फिर ये कम हार्ड है, कितनी कम हार्ड वो मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा हार्ड तो नहीं हो सकती, तो फिर नॉन आरी कहना तो बिल्कुल गलत है, पॉसिबल वाला क्वेश्चन आता तो दोनों पे टिक लग जाता, आरी और आरी सी दोनों पे टिक लग जाता। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जम करते हैं। एल वन बार इज मैपिंग टू एल टू, एल वन इज आरी बट नॉट आरी सी, एल टू इज, थोड़ा सा घुमा दिया मैंने क्वेश्चन और कुछ नहीं किया, एल वन इज आरी बट नॉट आरी सी, तो एल वन बार क्या होगा भाई, एल वन बार पक्की बात है नॉन आरी रहेगा, क्योंकि आरी बट नॉट आरी सी मैंने कहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा नॉन आरी होता है, आरी बट नॉट आरी सी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा नॉन आरी, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है जी, तो एल वन बार हो गया हमारा नॉन आरी, तो मैंने नॉन आरी को मैपिंग इंट्रोड्यूस कर दिया एल टू में, तो एल टू क्या रहेगा, कन्फर्म से आप समझ पा रहे हो भाई नॉन आरी, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आंसर में भी नॉन आरी, कन्फर्म के साथ मैं बोलूंगा एल टू इज नॉन आरी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में आ रही आ जाए, नहीं ये पॉसिबल नहीं है भाई, मैपिंग रिडक्शन में दिस इज नॉट पॉसिबल, आ रही से आ जाए अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, नन वाला ऑब्वियसली गया, तो इट विल बी नॉन आ रही। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। अच्छा अब वही बात है, थोड़ा सा अगर आप चाहो तो मैं आपको एक एक डिटेल की बात समझा देता हूँ, है ना? तो अगर आप कहते हो जैसे ये देखो कि एक एल वन इज आ रही, हाँ तो ठीक है एल वन बार हमारी नॉन आ रही है ना, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो एल वन इज मैपिंग रिड्यूसेबल टू एल टू, L1 मैं बोलता हूँ नॉन आरी है, L1 नॉन आरी है, तो L2 को भैया नॉन आरी ही होना पड़ेगा, L2 आरी नहीं हो सकता, L2 आरी नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि L2 आरी है और ये हमारा नॉन आरी था और ये आरी है, मैपिंग रिडक्शन हो ही नहीं पाएगी इनके बीच में, प्लीज ये बात ध्यान रखना, मैपिंग रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर मैपिंग रिडक्शन हो रही होती तो मैं इस नॉन आरी के लिए ट्यूरिंग मशीन बना के आता, जो कि बिल्कुल बात गलत होती, हम कॉन्ट्राडिक्शन में फंस जाते हैं, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी की हेल्प से ये देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, L1 इज मैपिंग रिड्यूसेबल टू L2, तो एक्स इंस्टेंस मैंने पकड़ दिया L1 का, अब वो येस हो सकता है नो हो सकता है मुझे नहीं पता, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन वन में बनाऊंगा और ये एक्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, वाई इंस्टेंस में, और वाई इंस्टेंस किसका होगा भाई, L2 का होगा। अगर एक्स का एक्स L1 का येस इंस्टेंस है तो वाई L2 का येस इंस्टेंस आएगा, एक्स हमारा L1 का नो इंस्टेंस है तो वाई हमारा L2 का नो इंस्टेंस आएगा। खैर जो भी बात है हम ये सब कर चुके हैं, ये एच हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन वन ये किसके लिए है भाई, मैपिंग रिडक्शन के लिए है। ठीक है जी, अब क्योंकि आपको पता है आपका क्लेम है कि L2 हमारा मतलब अगर आप सपोज करते हो कि L2 हमारा आरी है, ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा भाई, हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन आएगी, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन आएगी और ये ट्यूरिंग मशीन यस और यस तो करेगी, नो में अटकेगी, तो फाइनली मैं क्या कहूंगा, मैंने जो एक्स इनपुट किया था इस बड़ी ट्यूरिंग मशीन को, मैंने मतलब एक ट्यूरिंग मशीन टू बना दिया है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ठीक है जी, तो देखो मैं बोलूंगा कि मैंने एक ट्यूरिंग मशीन टू बना के खड़ी कर दी जो कि एक्स के लिए काम कर रही है, तो मतलब अगर मैंने मैपिंग रिड्यूसेबिलिटी दिखाई ना एक एक नॉन आरी और आरी के बीच में, अगर मैंने ऐसी मैपिंग रिड्यूसेबिलिटी दिखाने में कामयाब हुआ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहूंगा, जो L1 थी वो नॉन आरी नहीं होगी, वो आरी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मेरा क्लेम तो बिल्कुल गलत है ना, मैंने तो आपको पहले बोल रखा है कि L1 मेरी नॉन आरी है, L2 हमारी आरी है, इस बात को समझो आराम से, थोड़ा सा पेशेंस से समझो चीजें समझ में आएंगी, L2 हमारी आरी है, L1 हमारी नॉन आरी है, और इनके बीच में अगर आपने मैपिंग रिडक्शन दिखा दी, मैपिंग रिडक्शन दिखाने का मतलब ही हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन दिखाई गई है, तो अब मैं यहां बोलूंगा कि दिस इज योर सपोजिशन, ये हमारी सपोजिशन है, तो अगर ये सपोजिशन हमने मान ली कि ऐसा कुछ हो रहा था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने L1 के लिए ट्यूरिंग मशीन बना के खड़ी कर दी, मतलब मैंने L1 को आरी प्रूव कर दिया, बट L1 हमारी आरी नहीं है, L1 हमारी नॉन आरी है, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन में फंसा, तो मैं बोलूंगा जो मैंने हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन बनाई थी ये बनी नहीं सकती, बात समझ आई? तो मतलब मैपिंग रिडक्शन एक नॉन आरी और आरी के बीच में मैं नहीं शो कर पाऊंगा, मतलब इधर आरी और इधर नॉन आरी, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वही बात है ये वाली आरी ज्यादा हार्ड हो, मतलब L2 विल बी मोर हार्डर देन L1, कितनी ज्यादा हार्डर वो मुझे नहीं पता, मतलब और ऐसे बोल सकता था L1 इज लेस हार्डर देन L2, कितनी कम हार्ड वो मुझे नहीं पता, ज्यादा हार्ड तो नहीं हो सकते ना, तो L1 को आप नॉन आरी कैसे भागोगे? अगर आपने बोला कि L1 हमारी नॉन आरी है, L2 हमारी आरी है, तो
इनके बीच में मैपिंग रिडक्शन दिखाना इम्पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि मैपिंग रिडक्शन दिखाई जाएगी तो मैंने आपको बना करके दिखाई, और अगर मैपिंग रिडक्शन आई तो घुमा फिरा करके मैं L1 को RE क्लेम कर रहा हूँ, बट L1 तो RE नहीं है। तो आई थिंक आप समझ चुके, जो हमने हैल्टिंग मशीन 1 जो हमने सपोज करी थी कि मैपिंग होगी, वो मैपिंग इम्पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहूंगा। सिंपल को सिंपल बात है भाई, मैपिंग एग्जिस्ट करती है इसका मतलब इसकी ये भी RE हो जाती है, वो है नहीं, ये हमारी दोनों RE है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके दैट्स इट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी, ओके जी, तो ठीक है दैट्स इट। और ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को घुसने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, देख लेते हैं मेरे को और क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ठीक है जी दैट्स इट। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और इनफैक्ट पता है ये देखो, यही अब थोड़ा सा एक मन में बात हो रहा है, मैं कर लेता हूँ, यही प्रॉब्लम थी मैपिंग रिडक्शन में, इसलिए फिर ट्यूरिंग रिडक्शन पैदा करी गई थी, क्योंकि मैपिंग रिडक्शन से हम लोग ये शो नहीं कर पाएंगे कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन के अंदर मैं यू कैन से मैपिंग रिडक्शन दिखाऊं किसकी, LU bar की, रफली मैं बोल रहा हूँ, LU bar मतलब मेंबरशिप ऑफ RE लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये आपको पता है ये होती है जी नॉन RE और ये होती है जी RE, ठीक है जी, ये होती है जी नॉन RE और हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन के कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज क्या है जी RE है। तो नॉन RE से RE पे मैं मैपिंग रिडक्शन नहीं दिखा सकता, तो मतलब हॉल्टिंग प्रॉब्लम के अंदर मैं LU बार को रिड्यूस नहीं कर सकता, बट एक्चुअली रिड्यूस तो होती है, किसके थ्रू होती है, और इंट्यूशन से भी समझ में आता है आपको, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करके दिखाया था, जब रिडक्शन पार्ट वन देखना मेरा, रिडक्शन थ्योरम पार्ट वन, मैंने उसमें सारा एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, है ना, हाँ जी, तो होती है। तो फिर वही बात है, फिर मतलब बहुत जगहों पे जहां पे आपको इंट्यूशन से लगता होगा कि रिडक्शन हो सकती है, लेकिन वो रिडक्शन मैपिंग रिडक्शन के स्टिफनेस के कारण नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा सा लूज कंसेप्ट आया, दैट इज ट्यूरिंग रिडक्शन, जो ये काम करके दे देती है। तो LU बार ट्यूरिंग रिडक्शन हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन पे हो जाती है, ठीक है, वो मैं आपको आराम से प्रूव करके आया हूँ। तो LU बार के लिए ये कंफ्यूज ना कर दिया आपको, हाँ, तो LU बार के लिए LU बार ट्यूरिंग रिडक्शन हो जाएगी हॉल्टिंग प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन पे। तो ये ज्यादा स्टिफ थी, ये थोड़ी सी लूज कंसेप्ट है, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई। तो अगर आपके पास मैपिंग रिडक्शन है तो आपके पास ट्यूरिंग रिडक्शन तो जरूर है, ट्यूरिंग रिडक्शन तो है ही है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो अगर मतलब आपका ट्यूरिंग रिडक्शन है तो मैपिंग रिडक्शन होगी होगी नहीं, ये बात गलत है, दिस इज वन वे थ्योरम, ठीक है, मेरे मन में आया तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, नहीं तो मेरे ख्याल से ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लॉजिक स्टाइल में मैंने आपको दिखा दिया भाई, ठीक है। तो अगर मैपिंग रिडक्शन है तो ट्यूरिंग रिडक्शन तो होगी होगी, बट अगर ट्यूरिंग रिडक्शन है तो मैपिंग रिडक्शन मैं नहीं कह सकता, ठीक है, चलो ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय। इससे ज्यादा मैं अब वही बात है, मैं अगर आप वीडियो बंद नहीं करूंगा ना तो और कुछ 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 बातें बोलता रहूंगा, फिर वो सब दिक्कत हो जाएगी, इतना डिटेल में नहीं आना गेट एग्जाम में, ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।